नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में 3 जवानों के शहीद होने से लोगों में गुस्सा है। जम्मू में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे हमें एक साथ लेकर चलना है। महाराष्ट्र के पुणे में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वयक बैठक शुरू हो रही है। संघ से जुड़े 36 संगठन इसमें हिस्सा लेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। अनंतनाग मुठभेड़ में जान गंवाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं मुजमिल भट्ट का बेड़गाम में अंतिम संस्कार किया गया। एशिया कप के सुपर फोर में श्रीलंका और पाकिस्तान की फाइनल के लिए भिड़ंत होगी। मुकाबला जीतने वाली टीम 17 सितंबर को भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। केंद्र सरकार ने अब कुछ सदस्यों के लिए नियम में बदलाव किया है। इनको अब पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह संशोधन नियम 13 में किया गया है। 18 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र ने इस सत्र को बुलाए जाने की वजह स्पष्ट कर दी है। सरकार के मुताबिक वह देश की आज़ादी के बाद संविधान सभा के गठन से लेकर 75 सालों तक की देश की यात्रा, उसकी उपलब्धियों, अनुभव, स्मृतियों और सीख पर चर्चा करेगी। शिवसेना में विभाजन के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुनवाई करने वाले हैं। सुनवाई विधानमंडल के केंद्रीय कक्ष में होगी। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है। आईएमडी ने बताया कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में 14 सितंबर से बारिश की संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र के सातारा जिले के पुसे सावली गांव में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अब पुलिस गांव में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक शादीशुदा प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को टब से डुबो कर मार डाला। इसके बाद पत्नी की मदद से उसे गुजरात में ठिकाने लगा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से अमेजोन ने भारत में 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वो 19 सितंबर से कैश ऑन डिलीवरी पर 2000 रुपए का नोट एक्सचेंज नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में शामिल होने आए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति को खास भेंट दी है। यह गिफ्ट बनारसी सिल्क का खास रोल है, जिसमें धागों से बनारस की संस्कृति को दर्शाया गया है। वहीं इसे कदम की लकड़ी से बने बॉक्स में पैक किया गया है। लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि अक्टूबर 2023 से सरकार गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को अनिवार्य करने वाली है, लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है कि सरकार 6 एयरबैग्स को अनिवार्य नहीं करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ने आईफोन 15 प्लस के प्रोडक्शन को भारत में करने जा रही है। इसके लिए कंपनी के सप्लायर फॉक्सकॉन ने चेन्नई के प्लॉट में तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कंपनी अगली तिमाही में स्थानीय स्तर पर आईफोन 15 प्लस का उत्पादन करेगा। लोकसभा चुनाव के सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस अपने दलित चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी की सियासत में लॉन्च करने की योजना बना रही है। ऐसे में खड़गे के लिए इटावा और बाराबंकी सीट चिन्हित की गई है। टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कॉमेडियन ने हाल ही में पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला है। इस बात की जानकारी खुद कपिल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने नसीरुद्दीन शाह के स्टेटमेंट पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि नसीर साहब को एक बार फिल्म देखनी चाहिए। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर विस्फोटक शुरुआत की थी, लेकिन वर्किंग डे में जवान की कमाई भारी गिरावट आई है। सोमवार से बॉक्स ऑफिस पर जवान की आंधी थोड़ी कम हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच शुक्रवार को एशिया कप 2023 का आखिरी सुपर फोर मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया के फैंस के लिए इससे पहले अच्छी खबर है कि श्रेयस अय्यर मैदान पर वापसी कर चुके हैं और भारतीय खिलाड़ियों के साथ अभ्यास भी कर रहे हैं। ये थी आज के टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।